आज हम मैगी और नॉर सूप का एक बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। तो यहाँ गैस पर मैंने रख ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे लगभग एक टेबल स्पून जितना बटर, और बटर के मेल्ट होते साथ हम इसमें डाल देंगे लगभग एक टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक और एक टेबल स्पून ही बारीक कटा हुआ लहसुन। और अदरक और लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी इनका कलर नहीं चेंज होने देंगे हम, सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक इनको हम हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन दोनों चीज़ों को भी सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक हाई फ्लेम पर सौते करेंगे, क्योंकि हमें इन सब्जियों को सौगी नहीं करना है, क्रंची ही रखना है। तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 कप पानी। हम 2 पैकेट मैगी नूडल्स यूज़ करने वाले हैं, और यूजुअली हम 1 पैकेट मैगी के लिए अगर हम ड्राई मैगी बनाते हैं तो 1 कप पानी यूज़ करते हैं। तो हमें सूपी नूडल्स बनाने हैं आज, तो मैं यहाँ पर 2 पैकेट मैगी के लिए 4 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जितना हम यूजुअली मैगी के लिए पानी यूज़ करते हैं उससे डबल हम पानी डाल देंगे। और अब इसमें 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। और अब हमें यूज़ करना है नॉर सूप, यानी इंस्टेंट सूप। तो मैंने यहाँ पे मंचाओ वेज के 2 नॉर सूप के पैकेट लिए हैं। आप मंचाओ वेज या फिर हॉट एंड सॉर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही फ्लेवर आता है। तो 10 रुपीज़ वाले 2 पैकेट मैंने यहाँ पर लिए हैं, और हम इन दोनों पैकेट को एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे 1/4 कप पानी के साथ। और अब हम इस पेस्ट को कढ़ाई में डाल देते हैं, तो इसको एक हाथ से चलाते रहेंगे डालते हुए, जिससे कि इसके लम्प्स नहीं बन जाएं। और अब हम यूज़ करेंगे 10 रुपीज़ वाले 2 मैगी नूडल्स के पैकेट। आप कोई भी इंस्टेंट नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों नूडल्स के एक डाल देते हैं और साथ ही में टेस्ट मेकर भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर, और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस। और अब हम सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नमक मिर्च या स्पाइसेस हमें ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि नॉर सूप में भी स्पाइसेस हैं और टेस्ट मेकर में भी स्पाइसेस ऑलरेडी हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हम इनको लगभग 2 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पर पकने देंगे। और 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसको ढक कर लगभग 5 से 6 मिनट तक सिम पर, यानी कि लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे कि इसकी थिकनेस परफेक्ट हो जाए। तो परफेक्ट सूपी नूडल्स बनाने के लिए ये एक बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आपका चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है ना, तो ये आपकी क्रेविंग को बहुत ही अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकती है। तो 5 मिनट सिम फ्लेम पर पकाने के बाद हमारी ये सूपी चाइनीज़ नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। और अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ पनीर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको जल्दी से अपने घर में ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी और ईजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल जीना इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।